देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जब दक्षिण यात्रा पर निकल रहे थे, तब सोनिया गांधी को नहीं पता था कि वो आखिरी बार अपने पति को देख रही हैं। राजीव गांधी पेरम्बदूर पहुंचे, जहां उनकी सभा होनी थी। नापाक इरादे लेकर आई ये शाम भारत से एक सपना छीन कर ले गई। धुआं छटा तो हर कोई राजीव गांधी को ढूंढ रहा था। राजीव गांधी के सुरक्षाकर्मी प्रदीप गुप्ता थोड़े ही दूर जमी पर दिखाई दिए। लोग वहां भाग कर पहुंचे तो देखा कि उनके पैरों की तरफ राजीव गांधी का सर पड़ा हुआ था। एक अंधेरी रात भारत की रोशनी ले गई। उस दिन हमने क्या खोया? एक ख्वाब जो खुली आंखों से भारत को रोशन करने वाला था, एक नेता जो भारत को तरक्की की राह दिखा रहा था, एक पति जिसने अपनी मोहब्बत की बाहें पसार कर मिट्टी को गले लगा लिया, एक पिता जो बच्चा बनकर धरती माँ की गोद में सो गया, और एक भारतीय जो हमेशा भारत के लिए जीता था। भारत के लिए इतने खूबसूरत ख्वाब देखने वाले राजीव की निशानी के रूप में जूते और कपड़े रह गए थे। देश में कंप्यूटर क्रांति के जनक, शासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने वाले दूरदर्शी तरक्की पसंद नेता श्री राजीव गांधी को सादर नमन।